हाँ और जिया जो हो पाएगा गलत करेंगे इन दोनों का बीच में है वो दोनों का बीच में है ये दोनों का बीच में है चलो ज्ञान मुद्रा लगाओ लंबा सांस लेते हुए यहाँ पे एक आसन ले लो कोई भी सुखासन सिद्धासन या फिर पद्मासन कोई भी आसन जो इजी लगे तुम्हें ठीक है वो एक आसन में बैठ जाओ और हाथ को ऐसे दोनों उंगली को टच करो थंब हाँ और फिंगर ये दोनों फिंगर का टिप पूरा टच होगा ठीक है उसके बाद बैकबोन स्ट्रेट ये हमारा जो मेरुदंड है वो पूरा स्ट्रेट ठीक है अब आंख बंद करके लंबा सांस लेते हुए ओम उच्चारण करेंगे फिर से लंबा सांस भरेंगे फिर ओम उच्चारण करेंगे फिर से लंबा सांस भरेंगे ओम उच्चारण करेंगे ऐसे करके तीन बार उसके बाद गायत्री मंत्र होगा उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र होगा उसके बाद और दो तीन मंत्र एक्स्ट्रा है वो भी होगा उसके बाद हम करेंगे कुछ क्या करेंगे कुछ बेसिक आसन ठीक है जिससे हमारा बॉडी प्रिपरेशन हो जाएगा युवा के लिए उसके बाद हम योगिक जॉगिंग करेंगे उसके बाद सूर्य नमस्कार उसके बाद दंड बैठक है उसके बाद 12 आसन करेंगे उसके बाद 8 प्राणायाम करेंगे उसके बाद क्लास फिनिश हो जाएगा इतना सारा चीज करना है 1.5 घंटा लगता है ठीक है तो लंबा सांस लेते हुए पहले माइंड ट्रेनिंग होना जरूरी है बैकवर्ड स्ट्रेट रखो ईशान हाँ पूरा सीधा रह के लंबा सांस पूरा ऐसे नहीं पूरा सीधा देखो मैं इस तरफ बैठा हूँ किसी को ये जो धुआं हो रहा है एलर्जी नहीं है तो नहीं। मुझे देखो तुम उस तरफ प्रॉब्लम नहीं हो देखो ये ऐसे करना मत आधा जाएगा सांस लोगे तो स्ट्रेट रहोगे खुल जाएगा ठीक है इसलिए कमर स्ट्रेट पूरा स्ट्रेट सबसे पहले
Yes, sir.